आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं लच्छा पराठा की रेसिपी। और दोस्तों आज हम बना के तैयार करेंगे मसाला लच्छा पराठा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो दोस्तों यदि आपको भी लच्छा पराठा बनाना लगता है मुश्किल, तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और एकदम परफेक्ट लच्छा पराठा घर पर ही बना के आप भी इसे इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर करती हूँ, जिससे कि आपके भी लच्छे पराठा जो है एकदम परफेक्ट बने और आप भी इसे इंजॉय कर सकें। तो चलिए दोस्तों इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 2 कटोरी आटा लिया है, यानी कि 2 कटोरी में हमने यहाँ पे 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा लिया है। आप चाहें तो 2 कटोरी मैदा या फिर 2 कटोरी आटा ही आप लेके बना सकते हैं। तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम रोटी पराठे की डो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें सेम इस डो को तैयार कर लेना है। तो इस तरह से पहले एक बार में इसे ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये डो हमने यहाँ पे लगा लिया है। तो अब इसे मसलते हुए मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम एकदम सॉफ्ट कर लेंगे, यानी कि जिससे दिखने में चिकना हो जाए डो हमारा। तो इस तरह से थोड़ा सा हम 1-2 मिनट के लिए इसे मसल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 1 से 2 मिनट मसलने के बाद में ये देखिए डो जो हमारा अच्छे से देखिए सॉफ्ट हो गया है, यानी कि स्मूथ, ये देखिए एकदम चिकना हो गया है। तो अब यहाँ पर ना इस तरह से हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 5-6 मिनट के लिए इस तरह से उसे ढक के साइड में रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पे मसाला लच्छा पराठा बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मसाला बनाने के लिए एक बाउल में हमने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच ले लिया है मिंट पाउडर, यानी कि पुदीने का पाउडर। 1 छोटा चम्मच इसमें हमने डाल लिया है लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे आमचूर पाउडर, यानी कि मैंगो पाउडर। और 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। और 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा सा मसल के इस तरह से डालें। अब इन सभी को हम यहाँ पर मिला लेते हैं। तो बस ये मसाला लच्छा पराठा बनाने के लिए देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए डो ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो एक बार फिर से हम इसे मसल लेंगे। तो अब इसको हम इसे तोड़ के इसके छोटे छोटे पोर्शन कर लेते हैं, जिससे कि हम इसके लच्छे पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम एक टुकड़े को ले लेंगे और इसको रोल करते हुए हम इसका एक ऐसे पेड़ा बना लेंगे। और इसमें आप इसे चाहे तो सूखा आटा लगा के इसको ऐसे हमें बड़ी सी रोटी की तरह बेल के तैयार करना है। तो इसे ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा ऐसे सूखा आटा स्प्रिंकल करके आप इसे अच्छे से बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर ले। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक बड़ी सी रोटी को बना के तैयार कर लिया है। तो अब इसके ऊपर से हम यहाँ पर घी लगाएंगे। तो यहाँ पे ना घी का ही उपयोग करें, जिससे कि जो आपके लच्छे पराठे एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे पूरी रोटी के ऊपर हमें इसे घी को अच्छे से इसे फैला देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पूरी रोटी को घी से कवर कर लिया है। तो अब इसके ऊपर ही हमें तैयार किया हुआ मसाला को स्प्रिंकल कर देंगे। तो इसके ऊपर से ना हल्का सा हम थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा या फिर थोड़ा सा वैसे आटा को स्प्रिंकल कर दें, वैसे से बहुत थोड़ा सा ही। अब इसको हमें इसे मोड़ना है। तो ये देखिए जितना हम आगे ले जाएंगे उतना ही हमें इसे पीछे ला के ऐसे मोड़ देना है, यानी कि जैसे हम साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, या फिर जैसे हम छोटे पे से ना ऐसे पेपर को मोड़ के ऐसे पंखा बनाते थे ना, बिल्कुल उसी तरह से ही हमें ऐसे मोड़ना है। जितना हम आगे ले जाएंगे उतना ही हमें पीछे ला के इसे ऐसे मोड़ लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इसे मोड़ लेना है और इसे थोड़ा सा इसे हम खींचते हुए इसे लंबा कर लेंगे। ये देखिए हल्के हाथ से इसे थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे और इस तरह से इसे थोड़ा लंबा कर लेंगे। और इस जो अंदर की साइड हमें फोल्ड करने वाले ना, इस पर भी हम थोड़ा घी लगा लेंगे। बस यहाँ पे इसे बीच में से फिंगर को रखिए और ऐसे इसे फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए बस इस तरह से इसे रोल कर दीजिए। तो इस तरह से इसे हमें मोड़ देना है। थोड़ा सा पार्ट हमें इसे नीचे लाके ऐसे हम इसे हल्के हाथ से इसे प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए एक हमारा ये चकला ये लच्छा पराठा बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरा भी बना के तैयार करेंगे। थोड़ा सा हमने डो के दूसरे पार्ट को लिया, उसे रोल करते हुए उसे हमने इसे बड़ा सा पेड़ा बना लिया और इसे सूखे आटे में थोड़ा सा इसे डिप करके ऐसे एक बड़ी सी रोटी बना ली। और सेम प्रोसेस से इसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे। तो घी से हम पूरी रोटी पर अच्छे से इसे कवर कर देंगे। फिर उसके बाद हम ये मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और ये हल्का सा इससे हम थोड़ा सा सूखा हुआ आटा डाल देंगे, बस बहुत ही थोड़ा सा। और इस तरह से ऐसे हमें फिर से हम इसे फोल्ड कर लेना है। जितनी रोटी को हम आगे ले जाएंगे उतना ही हमें इसे पीछे लाना है और इस तरह से ऐसे हमें मोड़ते चले जाना है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, तो बस ऐसे हमें मोड़ लेना। फिर से हम इसे खींचते हुए थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे। ये देखिए ऐसे हल्के हाथ से इसे प्रेस करते हुए इसे थोड़ा सा इसे बढ़ा लेंगे और ना इसके अंदर साइड में जितना हमें फोल्ड करना है फिर से उसे में से घी लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने पलट दिया है और इस पे हम ऐसे घी लगा लेंगे। तो बस इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आपके जो लच्छा पराठा एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए इसे किनारे से ऐसे बीच में एक फिंगर से डाल लें और इस तरह से इसे रोल कर लें और थोड़ा सा ऐसे
नीचे से ऐसे लाके इसे मोड़ देंगे। बस इसे ऐसे प्रेस कर दीजिए हल्के हाथ से। तो ये देखिए हमने यहाँ पे चार ऐसे पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो एक ऐसे पेड़े को लेंगे, उसको हम इसे सूखे आटे में से थोड़ा सा इसे कोट कर लेंगे और इस तरह से इसे हम बेल लेंगे। तो बस हल्के हाथ से इसे हमें प्रेस करते हुए अच्छे से इसे हमें बेल लेना है। तो इस तरह से हम ये देखिए ऐसे आपको ज़रूरत लगे तो हल्का सा आप सूखा आटा स्प्रिंकल करके इसे बेल लें। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे एक लच्छा पराठा को बेल के तैयार कर लिया। ये देखिए जैसे ना आप सेकेंगे तो ये लच्छे जो अच्छे से खुल के आएंगे। तो मैंने इसको साइड में रखा है। सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे दूसरे लच्छे पराठे को भी बेल के तैयार कर लेंगे। तो फिर से हमने यहाँ पे इसे दूसरे पेड़े को लिया, उसे सूखे आटे में थोड़ा सा इसे डिप कर लिया यानी कि इसे कोट कर लिया और इस तरह से इसे हम रोल करके सेम प्रोसेस से हमने यहाँ पे दूसरा लच्छा पराठा भी बेल के इसे तैयार कर लेना है। ये देखिए दोस्तों आप भी एक बार इस तरह से लच्छा पराठा बनाइएगा। एकदम आसान तरीका है और एकदम परफेक्ट आपके लच्छे पराठे बनके तैयार होंगे। तो ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा बन गया है। तो चलिए अभी से हम सेकने के प्रोसेस में चलते हैं। तो सेकने के लिए तवा को इधर हमने गैस पे रखा था गर्म होने के लिए। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो इस पर हमने यहाँ पे एक पराठे को डाल दिया है। नीचे साइड से हल्का सा ये सिक जाए तब इसको हम इसे दूसरी साइड में पलट लेंगे। तो ये देखिए नीचे साइड से देखिए अच्छे से इस पर चकत्तियाँ आ गई हैं। तो अब इसके ऊपर से हम यहाँ पे घी लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल लगा के भी इसे सेक सकते हैं। तो यहाँ पे घी से हमने इसे अच्छे से लगा दिया है। तो अब इसको हम इसे पलट लेते हैं। दूसरे साइड में भी पलट के हम यहाँ पे इसे अच्छे से घी लगा देंगे और दोनों साइड से हम अलट पलट के पराठे को अच्छे से हम सेक लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे दूसरे साइड में भी अच्छे से घी को लगा दिया है। तो ये देखिए ऐसे जो इसे भी है ना ये सब अच्छे से खुल रहे हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट ये देखिए पराठा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितने परफेक्ट ये लच्छा पराठा बना है। बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए सभी लच्छे पराठे अच्छे से खुल रहे हैं। तो बस इस तरह से हमने यहाँ पे पराठे को दोनों साइड से अच्छे से सेक के तैयार कर लिया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितने परफेक्ट ये देखिए लच्छा पराठा बन के तैयार हुआ है। तो इसे हमने यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लिया। सेम प्रोसेस से हमने तवा पे दूसरे पराठे को भी डाल दिया है और सभी पराठे को हम इसी तरह से सेक के तैयार करेंगे। तो ये देखिए नीचे से हल्का सा सिक गया है। तो अब इसको हमने यहाँ पे पलट लिया है और इसके ऊपर से भी हमने यहाँ पे इसे घी अच्छे से लगा देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे घी अच्छे से लगा दिया है। इसको दूसरे साइड में भी पलट के दूसरे साइड में भी हमें यहाँ पे अच्छे से घी लगा देना है। तो ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से लच्छे देखिए खुल के आ रहे हैं। तो बस दोनों साइड से अलट पलट के हमें इस पराठे को भी अच्छे से सेक के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट देखिए इसका जो लच्छा है वो खुल के आ रहा है। तो बस सेम प्रोसेस से हम सभी पराठे को सेक के तैयार कर लेंगे। तो हमने तो यहाँ पे सभी पराठे को सेक के तैयार कर लिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसे दही और टोमेटो केचप के साथ में सर्व किया है। मुझे तो ये दही के साथ में बहुत ही पसंद है। तो ये देखिए दोस्तों एकदम परफेक्ट आपका ये जो लच्छा पराठा है बन के तैयार हुआ है ना। देखिए इसके जो लच्छे हैं कितने अच्छे से खुल के आए हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह से बनाएंगे तो आपके भी जो लच्छे पराठे हैं एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो आप भी एक बार इसे ट्राई जरूर से करिएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। तो आप चाहें तो इसे सिंपल बना सकते हैं बट ये मसाला लच्छा पराठा जो है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप भी एक बार इसे ट्राई कीजिए और इसे इंजॉय कीजिए। और हाँ दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली सी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आप भी इस मसाला लच्छा पराठा को बनाइए, इसके मज़े उठाइए। जल्दी मिलते हैं मैं कैसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।